को सीधे अयोध्या लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, लोकप्रिय सांसद गोरखपुर श्री रवि किशन शुक्ला जी, लोकप्रिय सांसद बांसगांव श्री कमलेश पासवान जी, जिला पंचायत अध्यक्ष गोरखपुर श्रीमती साधना सिंह जी, मान्य विधायक कैंपियरगंज श्री फतेहबहादुर सिंह जी, मान्य विधायक खजनी श्री श्रीराम चौहान जी, मान्य विधायक चुल्लूपार श्री राजेश त्रिपाठी जी, मान्य विधायक पिपराई श्री महेंद्रपाल सिंह जी, मान्य विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी, मान्य विधायक सहजनवा श्री प्रदीप शुक्ला जी, मान्य विधायक चोरी चोरा श्री श्रवण निषाद जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, श्री सीपी चंद जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर जनपद और महानगर से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, एक साथ गोरखपुर की 258 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए 1046 करोड़ रुपए की लागत की इन परियोजनाओं की सौगात एक बार फिर से गोरखपुर जवासियों को उपलब्ध करने के अवसर पर मैं आप सबका और पूरे गोरखपुर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आज देश विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दुनिया के विभिन्न देशों के लिए एक आदर्श बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरते हुए हम सब देख रहे हैं। यहां एक ओर समृद्धि है, विरासत का सम्मान है, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर गांव, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला और समाज के प्रत्येक तबके को उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बना करके देश के प्रत्येक नागरिक के मन में एक नया विश्वास सृजित करने का कार्य भी विगत 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर हुआ है। देश के अंदर होने वाले इस व्यापक परिवर्तन का लाभ भले इस सत्र के पहले प्रदेश के अंदर शासन करने वाली सरकारों ने न लिया हो, लेकिन 2017 के बाद प्रत्येक क्षेत्र में हुए विकास के इन कार्यों का लाभ आज उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश विगत 6 वर्ष के अंदर अपनी एक नई आभा के साथ, अपने एक नए क्लेवर के साथ दुनिया के सामने है। 2017 के पहले अपनी 72 कानून व्यवस्था, हर दूसरे तीसरे दिन होने वाले दंगे, शासन की विकास की परियोजनाओं में होने वाला भ्रष्टाचार, न गांव सुरक्षित न बेटी सुरक्षित, हर ओर अराजकता का जो तांडव था, आज आपने पिछले 6 वर्ष के अंदर देखा होगा, आज उत्तर प्रदेश में 6 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई माफिया सिर तान करके नहीं चल सकता है और कोई गुंडा कोई उचक्का
किसी बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। ये नया उत्तर प्रदेश है जहां दंगे नहीं होते, दंगाइयों का इलाज सरकार कानून सम्मत कार्रवाई करके करती है, जहां व्यापारियों की संपत्ति पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता, किसी गरीब की जमीन पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। अगर किसी अपराधी और किसी माफिया ने जरूरत की तो उसका इलाज भी सरकार के पास है, उसका उपचार ऐसा उपचार करती है कि आने वाली कई पीढ़ियां अपराध करने से डरेंगी। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश एक तरफ बेहतर कानून व्यवस्था के माहौल के लिए आज देश के अंदर जाना जा रहा है, वहीं देश के अंदर सबसे अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई योजनाओं का लाभ आज उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हो रहा है। आपने देखा होगा, आज के समाचार पत्रों को आपने पढ़ा होगा, कल हम लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के गोरखपुर लिंक पर एक बड़े उद्योग का शिलान्यास किया। लगभग 1100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला वह प्लांट जिसमें 1500 नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी मिलेगी और भाइयों बहनों 10,000 किसानों को इनडायरेक्ट उसके साथ जुड़ करके अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। यहां के पशुपालकों के जीवन में परिवर्तन होगा, बागवानों के लिए बाग में पैदा होने वाले आम अमरूद अंगूर या फिर किसी भी अपनी औद्यानिक फसल का अच्छा दाम प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है और बदलते हुए उत्तर प्रदेश में गोरखपुर पीछे नहीं रह सकता है। हम भी कदम से कदम मिलाकर के इस कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ेंगे और इसमें सफलता इसलिए प्राप्त हो रही है क्योंकि डबल इंजन की सरकार तो है ही, साथ साथ जिला पंचायत में भी, ब्लॉक स्तर पर भी और स्थानीय नगर निकाय स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता होने के नाते विकास की योजनाओं का लाभ आसानी से वहां तक पहुंच जाता है। और नहीं तो होता क्या, एक भी कड़ी अगर कमजोर होती है, जैसे चेन कमजोर होती है, ऐसे ही एक भी कड़ी कमजोर हुई नहीं किसके बाद भर भरा करके सब खराब हो जाता है। लेकिन आज सब एक स्वर से बोलते हैं, विकास के बारे में सोचते हैं और इसीलिए मैं आप सबको आगाह करने के लिए आया हूं कि जैसे गोरखपुर ने मांग की कि फलानी जगह उनवल में नगर निकाय बनना चाहिए, नगर निकाय बन गया, नगर पंचायत बन गई, घक्सरा में नगर पंचायत बन गई, कैंपियरगंज नगर पंचायत बन गई, उर्वा बाजार नगर पंचायत बन गई। भाइयों बहनों, इन नगर पंचायतों में पैसा तो सरकार देगी ही, चेयरमैन और पार्षद का बोर्ड भी अच्छा बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का बनेगा तो ट्रिपल इंजन की सरकार तीन गति से वहां बुनियादी सुविधाएं और विकास भी देंगे। आपने देखा होगा उनवल बाजार में 4,000 से अधिक गरीबों को वहां मकान मिल गए। कोई सोचता था उनवल बाजार में 4,000 लोगों को नगर पंचायत बनने के बाद मकान 4,000 लोगों को एक झटके में मिलेंगे? 4,000 से अधिक लोगों को मकान वहां मिल गए, बाईपास बन गया, कार्यालय भवन बन गया, लोगों ने साथ दिया, जाति की राजनीति से ऊपर उठ करके विकास के बारे में सोचा तो विकास का लाभ वहां बिना भेदभाव के हर नागरिक को प्राप्त हुआ है। इसी विकास के साथ जोड़ने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। ये जातिवाद की राजनीति किसी का कल्याण नहीं करने वाली है। जातिवाद की राजनीति तो आजादी के बाद बहुत सारे लोगों ने प्रदेश के अंदर किया ही। क्या किया उन्होंने? क्या किसी गरीब को आवास दिया? किसी गरीब के घर में शौचालय बनाया? किसी गरीब के घर में विद्युत का निःशुल्क कनेक्शन दिया? किसी गरीब को उज्ज्वला योजना में निःशुल्क कनेक्शन दिया? किसी गरीब को उपचार के लिए पैसा उपलब्ध करवाया? नहीं। और युवाओं के नौकरी में सेंध लग लगाते थे, टैबलेट और स्मार्टफोन के नाम पर गरीबों का शोषण करते थे,
आज तो हम 20 लाख नौजवानों को अब तक टैबलेट और स्मार्टफोन दे चुके हैं और ये संख्या हम 2 करोड़ तक पहुंचाने जा रहे हैं। 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए सरकार करने जा रही है। हर तबके के लोगों के लिए कुछ न कुछ नया कार्य। आज आपने देखा होगा यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी भी प्रधानमंत्री आवास प्राप्त की। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कोई पैसा तो नहीं मांगा? कहा नहीं साहब, पैसा मेरे खाते में आ गया था। शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख रुपए सरकार दे रही है, ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपए सीधे मकान बनाने के लिए, 12,000 से 15,000 रुपए शौचालय बनाने के लिए, 90 दिन की मजदूरी, ये सभी मिलाकर के लगभग 1.5 लाख रुपए हरेक परिवार को उपलब्ध हो ही जाते हैं। भाइयों बहनों, विकास की योजना के प्रति सरकार की सकारात्मक सोच का परिणाम है आज गोरखपुर विकास चारों ओर तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नए गोरखपुर का दर्शन आप कर रहे हैं। जिस गोरखपुर में पहले बिजली नहीं होती थी, आज चलिए आप सड़कों पे निकलेंगे तो आपकी भी इच्छा होगी कि रवि किशन की तरह आप भी फिल्मों में शूटिंग करते हुए दिखाई देंगे। आज आप देख रहे होंगे गोरखपुर की सड़क उस लायक तो हो गई है, रामगढ़ ताल तो उस लायक हो ही गया है कि फिल्मों की शूटिंग हो, और वो करा रहे हैं, ढेर सारी फिल्मों का शूटिंग करवा रहे हैं। और केवल भोजपुरी ही नहीं, अब तो हिंदी के अलावा तमाम अन्य भाषाओं की भी फिल्में आकर के यहां गोरखपुर में शूटिंग हो रही है। ये चीजें दिखाती थी, ये संभावनाएं पहले भी थी, लेकिन पहले इच्छा शक्ति का अभाव था। पहले बिजली नहीं मिलती थी, आज बिजली भी है, और पहले उद्योग बंद कराए जाते थे, आज जिस कैंपस में आप इस सभा कर रहे हैं ना, यही फर्टिलाइजर कारखाना 1990 में बंद हो गया था। आज इस फर्टिलाइजर कारखाने में आप देख रहे होंगे, यानी फुल क्षमता से भी अधिक क्षमता से फर्टिलाइजर कारखाना काम कर रहा है। भाइयों बहनों, अब फर्टिलाइजर कारखाने यहां पे नहीं है, यहां पर सैनिक स्कूल का भी निर्माण हो रहा है। भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा के लिए एसएसबी भी यहां पर तैनात है, उनका एक महत्वपूर्ण स्टेशन गोरखपुर फर्टिलाइजर कारखाना भी है। यहां पर चिकित्सालय भी है, यहां पर तमाम अन्य सुविधाओं का लाभ लोगों को उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है, और फर्टिलाइजर कारपोरेशन के द्वारा ही चिलवा ताल के सुंदरीकरण के साथ साथ, जैसे उधर रामगढ़ ताल का सुंदरीकरण हुआ है, ऐसे चिलवा ताल के सुंदरीकरण की पर्यटन विकास की योजना को आज फर्टिलाइजर कारपोरेशन उसे आगे बढ़ा रहा है, एचयूआरएल उसे आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। भाइयों बहनों, विकास के लिए सोच चाहिए, और उस सकारात्मक सोच के साथ हम सबको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज जो 1,046 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं, इसमें स्टेडियम, मिनी स्टेडियम भी है, इसमें सड़कें भी हैं, इसमें पुल भी है, इसमें फ्लाईओवर भी है, इसमें शैक्षणिक संस्थान भी है, इसमें हॉस्पिटल भी है, और यह तो लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया भी। इससे भी बड़ी बड़ी परियोजनाएं आ रही हैं, कुछ शहर की हैं, कुछ बांसगांव की हैं, कुछ खजनी की हैं, कुछ पिपराइच की हैं, कुछ कैंपियरगंज की हैं, अलग 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 क्षेत्रों की अलग अलग प्रकार की परियोजनाएं, हर तबके के लिए योजनाएं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे राह को आसान करता है, जीवन को आसान करता है, ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में वह मदद करता है। लगातार जीवन को आसान बनाना, समय का बचत करना, जितना समय हम चलने में लगाते हैं उतना समय व्यक्ति श्रम करने में लगाएगा, कहीं मेहनत करने में, किसी अन्य कार्य करने में लगाएगा, कोई कार्य नहीं तो अपने परिवार के साथ व्यतीत कर लेगा। लेकिन भाइयों बहनों,
2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर ये सोच नहीं थी और उन लोगों के द्वारा इसीलिए माफियाओं को पनपाया जाता था, कहीं खनन माफिया, कहीं भूमि माफिया, कहीं वन माफिया, कहीं संगठित अपराध के माफिया, कहीं अलग अलग प्रकार के माफिया उभर पड़ते थे। पीड़ित आम जन होता था, गरीब होता था, व्यापारी होता था। आज क्या कोई माफिया इस प्रकार का दुस्साहस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, हम सब आपको यही मैं आगाह करने के लिए आया हूं, विकास की जिस सकारात्मक सोच को आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर संचार हुआ है, उस सकारात्मक सोच को हर एक तबके तक पहुंचाने की आवश्यकता है। बिना भेदभाव के हर तबके को उन योजनाओं का लाभ देने की आवश्यकता है और उन्हीं योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए एक बार फिर मैं आपके पास आया हूं। ये योजनाएं आसानी से आप तक इसलिए पहुंच रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हरेक स्तर पर कार्य कर रही है, ग्राम पंचायत में भी, क्षेत्र पंचायत में भी, जिला पंचायत में भी, विधानसभा में भी। गोरखपुर ने पहली बार 9 की 9 विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली हैं। यह दिखाता है गोरखपुर विकास चाहता है। यह विकास की सकारात्मक सोच हम सबको विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करने का एक माध्यम देता है और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, अगर 9 की 9 विधानसभा की सीट, 3 लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में आती है तो नगर निगम के साथ साथ सभी नगर पंचायत और नगर पालिकाएं भी भारतीय जनता पार्टी की झोली की ओर आए, इसकी एक बेहतर रणनीति अभी से तैयार हो जानी चाहिए। कमल निशान जिसके पास होगा, जिसके पास कमल